नमस्कार, एक्सेल 2013 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम सीखेंगे कि बेसिक ये एक्सेल की बेसिक टास्क का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो हम क्या सीखेंगे, बेसिक फंक्शन कैसे यूज करते हैं, जैसे सम, एवरेज, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन फंक्शन का यूज हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे आपके पास दो सेल है और इन दो सेल का आपको सम करना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सम, फिर टैब की प्रेस कीजिए और जिस सेल को आपको सम करना है उसको सेलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल प्रेस कीजिए, फिर सेकंड सेल सेलेक्ट कीजिए। इस तरह आपको सम करके रिटर्न करेगा। दूसरा तरीका है सम करने का, आपको डायरेक्ट करना है तो ये सेल सेलेक्ट कीजिए, फिर प्लस ये सेल, ये विदाउट इसके भी यूज आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई गिवन रेंज है, जैसे इस रेंज पूरी रेंज का आप जो करना है सम करना था, आप कैसे करेंगे, सम, टैब की प्रेस कीजिए, फिर इस पूरी रेंज को आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको पूरी रेंज का आपको सम करके रिटर्न करेगा। ठीक है, दोनों तरह से आप सम कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्टेड सेल रेंज सम करनी है तो उसके लिए बीच में कॉमा अल्पविराम यानी कॉमा यूज होगा, और अगर आपको गिवन रेंज कोई रेंज सम करनी है तो बीच में आपको कॉलन यूज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको दो सेल का, जैसे इस गिवन रेंज का, इस रेंज का आपको करना है एवरेज कैलकुलेट करना, कैसे करेंगे, पहले मैं इनकी हाइट कम कर, विड्थ कम कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको इस रेंज का आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए एवरेज फंक्शन यूज होता है, फिर जिस रेंज का आपको एवरेज कैलकुलेट करना है, डिफाइन करना है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो उसका एवरेज कितना आ रहा है, 52.33। अगर आपको दो, जैसे दो सेल का एवरेज निकाल कैलकुलेट करना था, इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, आपका उनका एवरेज कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, इस तरह आप एवरेज फंक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन यूज करना है तो उसके लिए प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज होता है, प्रोडक्ट, और जिसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है उनको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये पूरी सीरीज हुई। अगर आपको सिलेक्टेड सेल्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, इस तरह आप मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको डिवीजन यूज करना है तो ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, जैसे उसको मुझे डिवाइड करना है, इसके साथ तो 0.2105 भी जा रही है, तो आप इस तरह डिवीजन यूज कर सकते हैं। अगर आपको सब्ट्रैक्शन यूज करना है तो ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, जैसे इस सेल की वैल्यू से मुझे ये वैल्यू माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, तो इसका सॉरी यहाँ पर माइनस यूज होगा, यानी हाइफन यूज करना होगा, तो इसकी वैल्यू में से 45 माइनस 12 कितना हुआ, 33। इस तरह आप इनका सब्ट्रैक्शन यूज कर, आप इस तरह आप बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सम, किसी रेंज का सम कैसे करते हैं, गिवन सेल्स का सम कैसे करते हैं, क्यों सेल का एवरेज कैसे कैलकुलेट करता है, आप इस तरह ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ से डायरेक्ट भी आप यू फंक्शन यूज करते हैं, ऑटो सम, आपको ऑटो सम करके देगा। ठीक है, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि जो आपने रेंज सेलेक्ट की उसी के नेक्स्ट कॉलम में ही आपको वो रेंज सेल, उसकी नेक्स्ट सेल में ही आपको रिटर्न करके उसका आंसर रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं इसमें कस्टम सेल में आपको इनको वैल्यू शो करनी है, इसका जो रिजल्ट होगा कस्टम सेल में शो करना है, आपको सम फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है इनका तो यहाँ से आप एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपको जैसे ऑटो फिल करना है तो उसके लिए जैसे मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं, हम मंथ पे टोटल नंबर और पर्सन और अमाउंट, फिर इनको हम क्या करते हैं अरेंज कर लेते हैं, और मंथ लिखता हूँ जनवरी फरवरी, आगे की अगर मंथ आपको ऑटो फिल करना है तो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, जून,
ये आप इस तरह ऑटो फिल कर सकते हैं। अगर आपको इनको अलाइनमेंट सेव करना सेंड अरेंज कर सेट करना है तो इन सेल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर दीजिए। ठीक है, जनवरी की वैल्यू जैसे मैं ले रहा हूँ 10, 20। आगे की वैल्यू अगर आपको ऑटो फिल करनी है तो इसको सिलेक्ट कीजिए और ये यूज कर दीजिए। ठीक है, जैसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें 10 था, इसमें इसका आगे का नंबर आपको ऑटो फिल करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए। इस तरह भी आप ऑटो फिल यूज कर सकते हैं। जैसे इनके दोनों के बीच में 20 का गैप था, यहाँ पे 20 डिडक्ट करता रहेगा। जैसे 200 - 20 = 180, 180 - 20 = 160, 160 - 20 = 160, 160 - 20 = 120, 120 - 20 = 100। इस तरह आप ऑटो फिल यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसको टेबल फॉर्मेट में शो करना है तो यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, फिर आ रहा फॉर्मेटिंग, फिर आप कैसे सेट करना है टेबल ग्रुप में, टेबल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप टेबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इनको सॉर्ट एंड फिल्टर करना है तो कैसे करेंगे, जैसे इस पर राइट क्लिक कीजिए, फिर फॉर्मेटिंग, उसके बाद सॉरी चार्ट के रूप में शो करना है तो इस तरह आप चार्ट के रूप में भी इनको शो कर सकते हैं। जैसे जनवरी में कितना था टोटल नंबर ऑफ पर्सन 10, टोटल अमाउंट कितना 200। इस तरह आप चार्ट के रूप में भी आप शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इनका एवरेज कैलकुलेट करना है तो यहाँ से आप एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये इसका एवरेज हो रहा 35, इसका 150। अगर आपको एवरेज की जगह सम करना है तो आप यहाँ से सम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कलर स्केल आपको अगर यूज करना है तो आप कलर स्केल भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो कलर स्केल के हिसाब से वो क्या कर देगा, उसकी वैल्यू शो करेगा, यानी उसका सेल का कलर सेट करके देगा। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट एंड फिल्टर करना है तो यहाँ से आप क्लिक कीजिए, जैसे आपको शॉर्ट करना है A to Z या Z to A, या फिर यहाँ जैसे मैं शॉर्ट करता हूँ शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो अगर आपको बड़ी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना है, जैसे सबसे पहले छोटी वैल्यू आनी चाहिए उसके बाद में सबसे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए तो ये ऑप्शन यूज कीजिए। तो डिफ़ॉल्ट वो इसी में था, सबसे छोटी वैल्यू पहले आ रही थी, फिर सबसे बड़ी वैल्यू सबसे लार्जेस्ट। अगर आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट करना था, आप सर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यूज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू पहले आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू सबसे लास्ट में। ठीक है, इस तरह आप शॉर्ट एंड फिल्टर यूज कर सकते हैं। फिर उसके अलावा कि मुझे गिवन नंबर ऑफ रिकॉर्ड ही शो करने हैं, तो जैसे ये रिकॉर्ड मुझे शो नहीं करना, ये शो नहीं करना, तो आप इस तरह शॉर्ट एंड फिल्टर यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।